Hello students, how are you? Hope you all are fine with your parents. Okay. ओबेंसी का जो डेट ऑफ बर्थ था उसमें डिस्कशन कर रहे थे स्टूडेंट्स, ये नंबर फाइव में. हाउ मेनी मंथ्स ओल्ड वाज बिंसी ऑन 2nd अगस्त 2002. ओके, हाउ मेनी मंथ्स ओल्ड वाज बिंसी ऑन 2nd अगस्त 2002. उनका डेट ऑफ बर्थ क्या था? सेकेंड मे 2002. तो यहां पे क्या क्वेश्चन दिया है? सेकेंड अगस्त, अगस्त यानी कि 08 2002, यानी कि 8 में से 5 जाने से कितना बचा? 8 माइनस 5 3, यानी कि बिंसी जो है 3 months. How many years old is Binsi now? अभी कितना चल रहा है आपका? 2020. 2020 चल रहा है. उनका डेट ऑफ बर्थ क्या था? 2002. Okay. ओके स्टूडेंट्स, हाउ मेनी इयर्स ओल्ड इज बिंसी नाउ? तो बिंसी को अभी कितने साल हुआ? तो स्टूडेंट अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2020, 2020. तो वो कौन सा ईयर में बर्थ हुए थे? 2002 माइनस 2002. तो यहाँ पे 10 कैरी किए, 10 में से 2 जाने से 8, यहां से 10 लगे तो कितना बचा यहाँ पे? 10, यानी कि 1 को 1 डायरेक्ट, 0 2 में से 2, यानी कि अभी उनको 18 इयर्स हुआ बिंसी को. ओके, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स ऑफ हर बर्थडे बर्थ वाज द सर्टिफिकेट इश्यूड, यानी कि कितने महीने के बाद बिंसी को उनका बर्थ सर्टिफिकेट इश्यू हुआ था, यानी कि मिला था. तो एक मिनट स्टूडेंट्स, हम जो है बिंसी का देखते हैं, इनका डेट ऑफ बर्थ क्या था? 252. डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब था? 252. रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था? 815/02. और डेट ऑफ इश्यू यहाँ पे देखिए 0508 2002, ये जो नंबर है इश्यू डेट 0508 2002. तो इसका मतलब अपना क्या करेंगे? 0508 2002. ओके, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या था? 02052002, यानी कि 2 में से 2 जाने में से 0000, 8 में से 5 जाने से 03, 5 महीने से 2 जाने से 03, यानी कि 3 months and 3 days, 3 महीने 3 दिन के बाद उनको उनके बर्थडे सर्टिफिकेट इश्यू हुआ था. व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ हर सर्टिफिकेट? 815/02. फाइंड आउट. अबे आपको खुद को ये चीज करना है स्टूडेंट्स, व्हेन वेयर यू बॉर्न, जब आप बॉर्न हुए थे, बर्थ हुए थे, उसका डेट यहां पे लिखना है. राइट योर डेट ऑफ बर्थ इन नंबर्स. यहां पे कैसे लिखने? व्हेन यू आर बॉर्न, मतलब मैं बिंसी का बता रहा हूं, 2nd of May 2002, वैसे लिखना है.
राइट योर डेट ऑफ बर्थ इन नंबर्स, यहाँ पे नंबर्स में लिखना है 02052002। डू यू हैव ए बर्थ सर्टिफिकेट, आस्क योर पेरेंट्स एंड मेक वन फॉर योर सेल्फ। आप सभी के पास आपके बर्थडे सर्टिफिकेट होगा, आप आपकी जो मैथ्स की नोटबुक है उसमें आप आपका एक बर्थडे सर्टिफिकेट बनाए। ये देखिए परफॉर्मेंस दिया है, पहले लिखना है रजिस्ट्रेशन ईयर और अपना गुजरात बर्थ प्लेस सूरत, नाम लिखना है, सेक्स मेल या फीमेल, लड़का या लड़के, डेट ऑफ बर्थ तारीख के साथ, प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पे जन्म हुए थे, पापा का नाम, मम्मी का नाम और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कौन सा दिन रजिस्ट्रेशन किए थे और रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। आप है ना आपके नोटबुक में सेम आपका एक वैसे ही सेम पैटर्न का बनाइए। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैलेंडर 2006 का ये अपनी कैलेंडर दिया है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, टोटली 12 मंथ्स का यहाँ पे चार्ट दिया गया है। और सेम ये साइड में आपको कुछ क्वेश्चंस पूछा गया है उसके रिगार्डिंग हम आंसर देंगे। लेट अस लुक एट द कैलेंडर फॉर द ईयर 2006 का हमने कैलेंडर देखा है, अभी उसके हिसाब से हम आंसर देंगे। हाउ मेनी मंथ्स डज अ ईयर हैव, एक साल में कितने महीने होते हैं, टी डब्ल्यू ई एल वी ए 12, यानी कि एक साल में 12 महीना होता है। लिस्ट द मंथ्स व्हिच हैव 30 डेज, 30 डेज में कौन सा मंथ आपकी आती है, ये चीज डिस्कशन करेंगे। अप्रैल जून सितंबर एंड नवंबर, फिर से आप दिमाग में लगाइए, अप्रैल जून सितंबर एंड नवंबर। ओके स्टूडेंट्स, लिस्ट द मंथ्स व्हिच हैव 31 डेज, 31 डेज जो होता है वो कौन सा मंथ आता है, जनवरी मार्च मई जुलाई अगस्त अक्टूबर एंड दिसंबर। जनवरी मार्च मई जुलाई अगस्त अक्टूबर एंड दिसंबर। हाउ मेनी डेज डज द मंथ ऑफ फेब्रुअरी हैव, ऐसे जनरली फेब्रुअरी में 28 डेज आता है, लीप ईयर में 29 आता है। ओके, हाउ मेनी डेज मेक्स ए वीक, कितने दिन में एक वीक बनता है, 7 डेज। हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन जुलाई, हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन जुलाई, डेज 4। इज इट ट्रू फॉर ऑल मंथ्स, 4, यस। इन व्हिच मंथ डिड यू कम टू क्लास थर्ड, आप स्टैंडर्ड थर्ड में कब आए थे, आपके एनुअल एग्जाम जब खत्म हो गया था, मार्च से अप्रैल और मई में रिजल्ट आती है तब। मेक ए सर्कल ऑन दिस डेज ऑफ द कैलेंडर, 26 जनवरी जो 2006 का कैलेंडर बताए थे उसको आप एक सर्कल करिए। 26 जनवरी को क्या है, रिपब्लिक डे है। 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे और 31 दिसंबर इज न्यू ईयर ईव। ओके, इज देयर समथिंग स्पेशल अबाउट दिस डे, फिल इन द ब्लैंक्स। स्पेशल डेट 26 जनवरी रिपब्लिक डे, 14 चिल्ड्रंस डे एंड न्यू ईयर ईव, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ईयर। इन व्हिच ईयर वाज इट 2 ईयर बैक, हम 2006 का कैलेंडर देख रहे हैं तो 2 साल पहले क्या होगा, 2004। इन व्हिच ईयर वेयर यू इन क्लास सेकेंड, क्लास सेकेंड में कब थे, 2006 में, अगर थर्ड स्टैंडर्ड में हो तो सेकेंड में 2005। इन व्हिच ईयर यू विल बी द नेक्स्ट ईयर, फोर्थ में कब आओगे, 2007। विच ईयर विल कम आफ्टर 3 ईयर्स,
यानी कि स्टूडेंट 2006 था, 7, 8, 9, 2009